नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, साबुत है, गाजर है, धनिया पत्ता है, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च है, इसके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं। प्याज को हमने चॉप किया हुआ है, क्योंकि प्याज को कद्दूकस करते तो प्याज बहुत सारा पानी छोड़ देता, और गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं क्योंकि गाजर मोटा रह जाता है, जल्दी पकता नहीं है ये, तो इसको काटेंगे नहीं, बस इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और शिमला मिर्च को भी हम कद्दूकस कर लेंगे, पूरा एक शिमला मिर्च को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। प्याज को हमने चॉप किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा मोटा है, तो इसको अच्छे से ऐसे इस तरीके से मसल लेंगे तो ये प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। सब्जियां रेडी हैं, अब लेते हैं दही। दही को हमने एक घंटे के लिए एक कपड़े में बांध के और टांग दिया था, और ये दही थोड़ी सी टाइट हो गई, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल गया है, और इसी टाइट दही में, ये टंगा हुआ दही है, उसमें इन सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम गर्मियों में राहत देने के लिए टेस्टी टेस्टी ठंडा ठंडा पराठा बना रहे हैं। जी हाँ, दही के साथ और ढेर सारी सब्जियों के साथ पराठा बनाएंगे, लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे, जिसके वजह से ये पराठे हमारे बहुत ही फूले फूले और अच्छे बनेंगे। इसमें ले लेते हैं आलू, जिसको हमने उबाल लिया था, और इसको कद्दूकस कर लेंगे ताकि ये जो दही है हमारा वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। मसालों में ले लेते हैं एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा धनिया कम था इस वजह से डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी स्टफिंग हमारा रेडी नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा भी गीला लग रहा है, भरने में परेशानी होगी, वो जो हमारा सीक्रेट था वो यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे भुने हुए चने का सत्तू, ये चने का सत्तू है, ये पानी सारा इसमें का सोख लेगा और जो हमारा स्टफिंग है वो टाइट हो जाएगा। जब इस पराठे को हम भरेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसे भर पाएंगे, इसके लिए हम इसमें चने का सत्तू मिला रहे हैं, और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है इसे मिलाने से। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं, ये हमारा स्टफिंग रेडी है। अब लेते हैं आटा। आटा हमने एकदम मुलायम लगाया, आप देख सकते हैं, ध्यान हमें यही देना होता है कि जो हमारा स्टफिंग है उससे टाइट बिल्कुल भी आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्टफिंग अच्छे से हम नहीं भर पाएंगे और फट के चारों तरफ से निकलने लगता है। मुलायम आटा रहेगा, जो स्टफिंग है उससे मुलायम रहेगा तो अच्छे से इसे हम भर पाएंगे। हमने सूखा आटा लगा के तैयार कर लिया है, बहुत ही गीला हमारा आटा है, आप देख सकते हैं, देख के आपको पता चल जाएगा, बीच बीच में सूखा आटा इस्तेमाल करके इसको हम तैयार करेंगे और इसमें अच्छे से स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग ज़्यादा होती है तो पराठा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, थोड़े से स्टफिंग डालने से पराठा का कोई मतलब नहीं होता है, तो अच्छे से स्टफिंग डालेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा की सहायता से आटा लगा लेंगे उंगलियों में, ताकि जो स्टफिंग है वो चिपके ना हाथों में, और अच्छे से उसको अंदर की तरफ दबाते हुए, इस तरीके से सूखा आटा लगा के अंदर से दबाते हुए उसको भर लेंगे। आटा गीला होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के लिए हम सूखा आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गीला होगा तभी हमारा पराठा बहुत ही अच्छा, एकदम मुलायम, और बेल भी पाएंगे इसको बहुत बड़ा साइज, स्टफिंग हमारी फट के निकलेगी भी नहीं। इसको अच्छे से दबा देते हैं दोनों हाथों से, तभी ये जो स्टफिंग हमारा है वो चारों तरफ एक बराबर जाता है। इसके बाद सूखा आटा लगा के इसको बेल लेते हैं, बेलने के टाइम हमें ध्यान देना होता है कि जो बेलन एकदम हल्के हाथों से चलाएंगे, नहीं तो पराठा हमारा फट जाएगा, और इतना इसको बेलना है कि जो स्टफिंग हमने अंदर इसमें किया हुआ है वो ऊपर ऊपर दिखने लगे, हल्की दिखे मतलब फटे नहीं, लेकिन वो दिखने लगे हल्का सा, मोटा रहेगा अगर आटे का लेयर आपका ऊपर का तो पराठा आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा और अच्छा नहीं लगता, स्टफिंग आपकी गीली नीचे से आएगी और मोटा मोटा पराठे का लेयर होगा आटे का, तो अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना इसको बेलेंगे कि आप देख सकते हैं कैसे ये दिखने लगा है, एकदम फटना नहीं चाहिए लेकिन दिखना है। तवा हमने गर्म कर लिया है, अब इसको सेक लेते हैं तवा पे डाल के, शायद कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद इसको पलट देते हैं, और पलटने के बाद अच्छे से घी लगा के इसको दोनों साइड सेक लेते हैं, देखिएगा कितना फूला फूला पराठा हमारा तैयार होगा। बहुत आसानी से आप इस पराठे को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि आटा आपका गीला होना चाहिए, और किसी भी पराठे में जो स्टफिंग आप कर रहे हैं तो स्टफिंग से आटा एकदम मुलायम होगा, तभी आप पराठा अच्छे से भर के और बिना फटे पराठे को बना पाएंगे।
तो आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।